अंडा चिंगारी रेसिपी को अंडे का कोरमा या फिर अंडा घोटाला मसाला ग्रेवी भी कहा जाता है। दिखने में बहुत ही खूबसूरत कलर वाली हेल्दी मजेदार मसालेदार ग्रेवी बनकर रेडी होती है। तो अंडा चिंगारी बनाने के लिए हम सबसे पहले पैन में डालेंगे आधा कप तेल, प्याज है 2 मीडियम साइज की, एकदम बारीक चॉप करके हम डालेंगे या फिर आप प्याज का पेस्ट भी डाल सकते हैं। प्याज के साथ ही हम डालेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च, 4 से 5 डाल लेते हैं लौंग, आधा चम्मच डालेंगे जीरा। अब प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं, हल्का सा इस पर गोल्डन कलर आ जाए तब तक हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें हमें डालना है 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। मिक्स कर लेते हैं अदरक लहसुन के पेस्ट को प्याज के साथ और इसका कच्चापन निकलने तक हम इसे फ्राई कर लेते हैं 1 से 1.5 मिनट के लिए। अब डालेंगे 1 कप भरकर टमाटर का पेस्ट, ये करीब 3 मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट है। साथ ही इसके हम कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, 1/4 चम्मच डालेंगे हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच भरकर डालेंगे धनिया का पाउडर, 1 चम्मच भरकर हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, इसे कलर बहुत अच्छा आ जाता है अंडा चिंगारी में। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं करीब 1/4 चम्मच। अब ये मसाले को मिक्स करते हुए हम भून लेते हैं, मसाले का पानी सूखने लगे और तेल सेपरेट हो जाए तब तक हम ये मसाले को भून लेते हैं। मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, तेल भी सारा सेपरेट हो गया है, इसमें हम अब डालेंगे आधा कप पानी। मिक्स कर लेते हैं इसे और इससे हम अब बॉईल होने देंगे मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए। 3 अंडे लिए हैं मैंने यहाँ पर, इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच भरकर चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं करीब 1/4 चम्मच, बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते थोड़े से डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से फेंट कर हम मिक्स कर लेते हैं। ये फेंटे हुए अंडे को अब हम डाल देंगे इस मसाले में। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और अंडा डालने के बाद हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे कम से कम 30 से 40 सेकंड के लिए। अब अंडे को अच्छी तरह से मसाले के साथ मिला देते हैं। उबले हुए अंडे भी हमें इसमें डालना है, 4 उबले हुए अंडे हैं। इसे इस तरह से लंबा हमें काट लेना है करीब 6 टुकड़ों में। उबले हुए अंडे भी इसमें डाल देंगे, साथ ही इसके हमें डालना है 3 से 4 साबुत हरी मिर्चें बिना स्लिट की हुई, आधा चम्मच डालेंगे गरम मसाले का पाउडर, थोड़े से डाल देते हैं बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते। मिक्स कर लेते हैं सारी चीजों को और अब इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर हम पकने के लिए छोड़ देंगे ढक कर बस 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम ढक्कन को हटा लेंगे तो देखें ये हमारा खूबसूरत सा मसालेदार अंडा चिंगारी बनकर रेडी हो गया है। बस फ्लेम को बंद कर देंगे और अंडा चिंगारी को हम सर्व कर लेते हैं। इसे नाश्ते में या फिर मेन कोर्स में दाल राइस या फिर खिचड़ी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। ट्राई जरूर करें ये मसालेदार मजेदार हेल्दी सी रेसिपी। आज की रेसिपी अच्छी लगी तो थम्स अप जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही और मजेदार रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।